इकाई है, यूनिट है, उसे मात्रा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कितने मात्रा की ताल है, 10 मात्रा, तो 1 2 3 4 एक एक यूनिट हो गया ना, वो उसमें इतने मात्रा है तो उसे मात्रा कहते हैं। और ताल किसे कहते हैं, हम बोलेंगे कि हमारे हम जब गाते हैं या बजाते हैं उसके साथ जो बजता है रिदम, हाँ रिदम बजता है उसे ताल कहते हैं, ऐसे बच्चे कह सकते हैं। विभाग, हम हमारे सुविधा के लिए हम सभी ताल को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं। जैसे आप नंदाजी ताल है तो उसके चार खंड है, हर खंड में चार चार मात्राएं हैं, तो 16 मात्रा इतना बड़ा लंबा है, उसको अगर हम पार्ट करेंगे तो हमें ताल को समझने में बहुत सुविधा होती है। जब हम बंदिश गाते हैं तो हम खाली से उठाते हैं, तो वो एक एक पार्ट गया, दूसरा पार्ट गया, तीसरे पार्ट से हम उठाते हैं, तो वो गाने में बहुत सुविधा होती है, बजाने में सब सुविधा होती है, इसलिए हम उसे विभाग कहते हैं, और विभाग बहुत जरूरी भी है। उसके बाद आता है सम, ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, और जिस मात्रा को हम हाथ उठा के बताते हैं उसे कहते हैं खाली, ठीक है। उसका चिन्ह के बारे में आप लोग बाद में जानेंगे। आवर्तन क्या होता है, आवर्तन मतलब एक पूरा साइकिल, एक से शुरू करके पूरा 16 तक गए, मतलब त्रिताल में गए, फिर से एक से शुरू करके 16 तक गए, ठीक है, तो एक आवर्तन हुआ, पूरा जो एक घूमता है, हाँ गोलाई में एक घूमता है, उसे कहते हैं आवर्तन, एक आवर्तन, दो आवर्तन, ऐसे कहते हैं। ठेका, ठेका मतलब है कि जो बोल हमारे मतलब गुरुजनों ने या गुणीजनों ने बनाया है, जो बोल बनाए हैं उसे, ताल के अलग अलग जो बोल बनाए हैं और वो कंपोजिशन बनाए हैं उसे कहते हैं ठेका। मतलब दादरा का ठेका है दा दी ना धा दी ना, ये जो बोल है इसे ठेका कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं यहीं पर खास समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसके बाद में जो आएगा ये प्रारंभिक प्रवेशिका प्रथम के लिए एकदम सही है। प्रवेशिका पूर्ण के जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसके मतलब इसके बाद मैं बनाऊंगी।